दोस्तों, ये खिचड़ी देख के मन में ये लग रहा होगा, ये खिचड़ी तो पहले भी बना चुकी है, ये रेसिपी फिर क्यों बना रही है? ऐसे लग रहा है ना? लेकिन महाप्रभु की जो महिमा है, उनका जो प्रसाद है, उसकी जो वैरायटी है, वो बोलते बोलते मैं बनाते बनाते थक जाऊंगी, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। तो आज और एक नई खिचड़ी की रेसिपी, सान्नो खिचड़ी। जय जगन्नाथ! आप सबका स्वागत है मेरी चैनल झिले स्पाइस बॉक्स में। दोस्तों, महाप्रभु की महाप्रसाद बनाना मेरे बस की बात नहीं है, ये तो उन्हीं की इच्छा है। 1 कप चावल, आधा कप मूंग की दाल, जैसे कि मैं पहले भी बोली हूँ, आधा कप जो मूंग की दाल लिया है, ये छिलके वाला, ऐसे ही हाफ वाली मूंग की दाल ही यूज होती है। मंदिर में चक्की में पीस के साबुत मूंग को ऐसे मतलब दो हिस्से में डिवाइड किया जाता है, और ये ही मूंग की दाल ही यूज होती है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप चावल के साथ आधा कप मूंग की दाल लिया, जिसको अच्छे से 3 से 4 बार पानी से धोने के बाद ले आई हूँ। अभी हम खिचड़ी की तैयारी करेंगे, वही मिट्टी की हांडी, लेकिन डायरेक्ट दाल चावल नहीं जाएगा, बेस में पहले नारियल जाएगा। तो ये ताजा कसा हुआ नारियल है, मतलब जो ग्रेट किया हुआ नारियल है, उसमें से 1/3 कप डाल के इसमें 1 इंच टुकड़ा अदरक। जो पहले से फॉलो करते हैं उन लोगों को तो पता है, महाप्रभु की महाप्रसाद में अदरक ग्रेट करके नहीं डालते, उखली में कूंच के डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ग्रेट करके डाल रही हूँ। नारियल के ऊपर अदरक, और उसके बाद हम इसमें अभी हमारा जो दाल चावल भिगो के रखे थे, मतलब धो के रखे थे, उसको डाल देंगे। दोस्तों, इतनी वैरायटी के खिचड़ी रेसिपीज हैं महाप्रभु के, और सारे खिचड़ी रेसिपीज टाइम वाइज ही मतलब भगवान को अर्पित होता है, और कुछ मंत्र पाठ के द्वारा हमारे जो पंडित लोग हैं वो मंदिर में बनाते हैं। सुबह से लेकर रात तक बहुत से मतलब जो प्रहर है उसमें भोग लगता है, और उस भोग में हर खिचड़ी का एक परफेक्ट टाइम होता है, जो कि पंडित लोगों के लिए वो समय निर्धारित है। दोस्तों, दाल और चावल के लिए मैंने यहाँ पे मिट्टी की हांडी के लिए 3.5 कप पानी दी हूँ। प्रेशर कुकर के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। तो अभी दाल चावल तो मैंने वो सेट कर लिया, अभी एक कटोरी में 1/4 छोटा चम्मच से भी थोड़ा सा कम हम हींग लेंगे। 1/4 छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम है दोस्तों। इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच पानी डाल के इसको भीगने के लिए रख देंगे। बांधणी हींग ऐसे ही भिगो के ही मंदिर में यूज होता है। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, पूरा लो फ्लेम कर देंगे, और उस पे अभी हमारी जो खिचड़ी की हांडी है उसको चढ़ा देंगे। और चढ़ा के अभी मैंने अभी तक इसमें मैंने नमक नहीं डाली हूँ, तो चलिए अभी हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। फिर वही वाली बात कि ना छूना है, ना छोंक लगानी है, ना उसको मतलब करछी लगाना है, वो अपने आप ही बनेगा। बस गैस की चूल्हा है, मिट्टी की चूल्हा की बंदोबस्त नहीं हो पा रही है। 20 से 25 मिनट बाद आप अच्छे से नोटिस कीजिए, साइड से हल्का हल्का उबलता हुआ आपको दिखेगा। दोस्तों, नीचे से जो स्लो कुकिंग की प्रोसीजर है वो शुरू हो गई है, यहाँ तक कि दाल चावल आधे पक चुके हैं। मिट्टी की हांडी में ऐसे ही थोड़ा सा टाइम लेता है। अभी और 10 मिनट बाद आप देखिए कैसे पानी निकलना शुरू हो गया है। इस टाइम हमें कुछ नहीं करना है, हमें करछी नहीं लगाना है, गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करके इसको हमें 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे, और उसी 5 मिनट में हम ये जो हींग का जो पानी है इसको ऐसे मिक्स करके, ये हींग मतलब घोल के, इस हींग के पानी को हम ऊपर से दे देंगे। बस जब ये ठंडा पानी जाता है ना, तो क्या होगा, कुकिंग और थोड़ा सा रुक जाएगा, लेकिन नीचे नहीं रुकेगा, नीचे तो चलता ही रहेगा। अभी फिर गैस ऑन कर देंगे 10 मिनट के बाद, और उसको पूरा लो फ्लेम पे फिर से चढ़ा देंगे। और अभी आप उसको ढक सकते हैं, मंदिर में कोई ढक्कन नहीं लगता, लेकिन अभी मैंने इसको ढक दिया है। और 10 मिनट बाद दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखिए चावल कितना ऊपर तक आ गया है, खिचड़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। बस ऊपर से 3 से 4 बड़े चम्मच घी, महाप्रभु की जो महाप्रसाद होती है वो शुद्ध देसी घी में ही बनता है,
कोई भी तेल इसमें यूज नहीं होता, मंदिर में कोई भी तेल यूज नहीं होता है। ढक देते हैं, गैस को बंद कर देते हैं। मिट्टी की हांडी में बना रहे हैं तो 1 घंटे का टाइम रेस्टिंग के लिए लेके चलिए। अभी 1 घंटे बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, अभी 1 घंटा हो गया है, अभी मेरी खिचड़ी पूरी तैयार है। अभी मैं ढक्कन खोल के आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए पूरा परफेक्टली हो गया है। जो मिट्टी की हांडी है वो स्लोली मतलब ठंडा होता है। हे महाप्रभु, पहले आपको अर्पण करती हूँ, उसके बाद मेरी जो दर्शक हैं, मेरे जो दोस्त हैं, उन लोगों को दिखाऊंगी। आशा करती हूँ मेरी ये कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। बस दोस्तों, अभी चलिए इसी बर्तन में ही, इसी मिट्टी के बर्तन में ही हम भोग निकालते हैं। आप लोगों को दूंगी, लेकिन पहले महाप्रभु को तो दे दो। आप सोच रहे होंगे हांडी दे दिया, फिर इसमें भी देगी, क्या करें? उनका अगर तुलसी ना डाले तो इसका स्वाद कहाँ से आएगा? एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी, जो महाप्रभु की महाप्रसाद है वो बनाना, उसको ट्राई भी करना मेरे बस की बात नहीं है। ये तो मेरी एक प्रयास है, और उनकी इच्छा के बिना जो पेड़ का पत्ता नहीं हिलता, पंखी नहीं उड़ती, हम इंसान जिंदा नहीं रहते, तो ये खिचड़ी क्या चीज है? उन्हीं की इच्छा से ही बना है। हे महाप्रभु, कोई भी गलती हो माफ कर दीजिएगा।